शुरू करने से पहले दो बातें। एक ये कि ज्यादा एक्साइटिंग इंटरव्यू इसलिए है क्योंकि पूरे इंडिया में लागू होने वाले जो कानून बनते हैं, जो 800 से कम लोग कानून बनाते हैं, उनमें से एक यानी राज्यसभा एमपी आज मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं। और दूसरी बात ये कि हमारे आसपास अभी कोई इलेक्शन नहीं मंडरा रहा है, तो थोड़ी डीप, थोड़ी कैजुअल, थोड़ी इंफॉर्मेटिव, थोड़ी डीप डाइव बातें होने का स्कोप इस इंटरव्यू में है। कितनी हो पाएंगी वो देखते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब बटन दबाओ एंड देन फॉलो मी। आए सर आए। डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, पर बहुत ही रॉयल फीलिंग है इस लोकेशन में। वो जो हाई सीलिंग होती है ना, जो इंटिमिडेट करती है। आपको अच्छी लग रही है? बहुत। मैं भी पहली बार बैठा हूँ इस कमरे। हाँ? मैं भी आज तक। क्या बात है? आपके लिए खुलवाया स्पेशली। थैंक्स यार, थैंक्स अ लॉट। थिंग्स वी डू फॉर यू। A lot of people think I'm funded by you guys. Really? But in the new channel, a lot of people think I'm funded by the Congress. And you've been ghosting me in the election season. Your party. And so, there's no grudge. I understand the practicalities of an election season and not giving a funny interview. So finally, you agreed. Funny interview to give him, उसे तो आपकी rating और बढ़नी चाहिए. Exactly. और वोट मिलेंगे. I would imagine. नहीं छोड़ो, मान साहब का इंटरव्यू काफी अच्छा था. बहुत अच्छा था. है ना? मैंने देखा है वो. भाई मुझे बताया जाता था. I was having a chat with my colleague Rahul also. कि जब आप संदीश आपको इंटरव्यू करें अच्छा। तो आप समझिए कि आप किसी मुकाम पे पहुंच गए। मैं तो कई सालों से वेट कर रहा था कि आप इंटरव्यू करें। आप आई नहीं, आपने मेरा दरवाजा खटखटाया ही नहीं। मक्खन लगाने वाली ओपनिंग फर्स्ट टाइम है। इट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद मी। मेरा कभी इतना ऑर्डर आया ही नहीं कि सामने वाला आदमी मेरे को मक्खन लगा। आई एम थैंक यू सो मच। आपका ऑर्डर बढ़ गया है। आई एम लविंग इट। आपका ऑर्डर बढ़ गया। राज्यसभा एमपी डूइंग दिस टू मी इज वंडरफुल। थैंक्स अ लॉट। युवा या स्वदेश या नायक? अरविंद केजरीवाल जी के कदमों पे चलने वाले तो नायक ही होंगे। स्वदेश और युवा तो मैं। Do you have any disagreements with him ever? Or are you? Yeah, of course. Yeah? Several times. Could he is very open to all opinions. अगर आप एक example, all types of opinions. अगर कोई एक example दे सको, जो terrible हो। छोटा सा छोटा example, मान लीजिए कि एक होर्डिंग लगनी है। उसका एक डिजाइन बन के आया। डिजाइन पसंद नहीं आया। मैंने कहा नहीं जी, काला रंग नहीं होना चाहिए, नीला रंग होना चाहिए। हमारे किसी और साथी ने कहा नहीं, नीला भी नहीं होना चाहिए, लाल होना चाहिए। मान लीजिए आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बननी है, स्टार्टअप पॉलिसी बननी है, तो उस पर हमारी क्या योजना होनी चाहिए। सो फ्रॉम दिस टू दैट लेवल ही इज कम्प्लीटली ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ फीडबैक, ओपिनियन। That's wonderful, yeah. Of course, of course. I will come back to this. No, of course, absolutely. I will come back to this. आपने कभी उनका इंटरव्यू नहीं किया? मैं क्या नहीं चाहूँगा उनका इंटरव्यू करना? आप करना चाहिए। आप पंजाब भी गए थे इलेक्शंस में? मैंने आपका एक वीडियो देखा था। I wanted to interview the now CM, but you guys were not talking to me then. Why? In Goa, I was told that we will not give you the schedule of the Aam Aadmi Party because maybe you will make fun of the crowd. And in Punjab, you never gave me an interview. Like Punjab, आपने किससे बात करी पंजाब में? उसने मना कर दिया। उसने बोला नहीं संदेश, अभी फनी इंटरव्यू नहीं देंगे। इलेक्शन के अंदर बिकॉज़ मान साहब वाज द फेस ऑफ द इलेक्शन, ही वाज द चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट। एक दिन में उनकी मुझे याद है 17-18 रैलीज होती थी। ही वाज एंड ही इज एन अग्रेसिव कैंपेनर। वो रुकते नहीं है। हम जैसे लोग तो 8-10 रैलीज के बाद गिव अप कर देते हैं, थक जाते हैं कि बस अब बिस्तर लाओ और सो जाएं। वो खुद बताते हैं कि जब वो रात को करके रैलीज खत्म करके घर आते थे, पग उतारते थे, तो खून होता था यहाँ पे बिकॉज ऑफ पग पहन के। पूरा दिन वो सिर्फ काम कर रहे हैं, 18-20 घंटे उतार ही नहीं पग, तो यहाँ खून निकल के आ जाता था, जम जाता था ब्लड। दैट इज द एक्सटेंट ऑफ हार्ड वर्क दैट पीपल पुट इन। हाँ, इट इज फाइन, आई डोंट होल्ड अ ग्रज। लाइक आई सेड, आई अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकलिटी ऑफ एन इलेक्शन सीजन, वो एक चीज होती है। और मेरी ऑडियंस भी इतनी शायद बड़ी नहीं है कि उनको मेरे को इंटरव्यू देना हो। नहीं, आपकी ऑडियंस काफी बड़ी है। हाँ, हमें तो लगता है। थैंक्स यार, थैंक्स। मैं तो आते ही बोला कि अब मैं किसी मुकाम पे पहुंच गया हूं। कम ऑन, अगर आपको मेरी कोई भी बात बदतमीजी लगे, आप थप्पड़ मार के मुझे निकाल सकते हो। थप्पड़ मार के नहीं यार, बिल्कुल नहीं मारेंगे। और यू कैन थ्रो ब्लैक इंक और व्हाटएवर, एंड देन आई विल सिट विद योगेंद्र यादव एंड बी लाइक हम दोनों को निकाल दिया। Do you think young people's issues are not discussed that much? That's true. Huh? I think so. Like, what issues do you think should be discussed more? You're a young legislator. You're probably the youngest in Rajya Sabha now, no? I'm the youngest. Yeah, I'm told youngest ever in Rajya Sabha. Wow. That's huge, man. 30 saal ki hoti hai age limit. It was supposed to be the House of Elders and now
आई होप लोग मेरे को वहाँ सीरियसली लें, ये ना बोलें कि बच्चा आया बच्चा आया। उसकी एक्साइटमेंट पंजाब इलेक्शन में बड़ा होता था। हाँ। पंजाब इलेक्शन में आई रिमेम्बर इन मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, आई से सर्टन थिंग्स अबाउट चन्नी साहब, द मीडिया गोज टू चन्नी साहब, ठीक है, दैट द आम आदमी पार्टी को इंचार्ज राघव चड्ढा, उन्होंने ये बातें बोली हैं आपके बारे में, आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। तो उनका जवाब होता था, ये तो बच्चा है, लड़का है, जवाक है, इसे क्या पता, छोड़ो इसे। फिर कैप्टन साहब के बारे में कुछ बोला तो कैप्टन साहब के पास गए तो बोलते हैं वो लड़का है, बच्चा है, उसको क्या पता, उसको छोड़ो। तो ये तो सब ऐसे करते थे। तो आई एम जस्ट होपिंग कि राज्यसभा में सीरियसली लें। हैव यू टेकन एनी टिप्स फ्रॉम मान साहब और संजय सिंह ऑफ हाउ टू स्पीक इन पार्लियामेंट? बिकॉज बिल्कुल लेंगे, सबसे लेंगे। या हरभजन सिंह के साथ क्या, इज ही अ पार्ट ऑफ द पार्टी? या या इज पार्ट ऑफ द पार्टी, ऑफ कोर्स। अच्छा, राज्यसभा। हाँ, एक्साइटमेंट है या एक्साइटमेंट बहुत, नींद वगैरह आ रही है ठीक से, या अभी ऐसा है कि राज्यसभा की स्पीच देते देते नींद खुल जाती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इतनी भी एक्साइटमेंट नहीं है। नो नो, ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इट्स गोइंग टू बी अ बिग बिग लीप, अ बिग चैलेंज, एंड मेरे लिए पर्सनली आई फील इट्स गोइंग टू बी एन एक्सेलेंट पेडेस्टियल, जहाँ पे मैं आवाज़ उठा सकूँ, लोगों की बातें रख सकूँ। भाई इट्स हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है, सबसे बड़ा, इट्स कॉल्ड द टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी। यू आर वन ऑफ द लेस देन 800 नाउ राघव, यू मेक द लॉज फॉर इंडिया नाउ। एक चीज होती है कि सिस्टम के बाहर रहकर सिस्टम को गाली देना, और फिर सब जब सिस्टम के अंदर आते हो, आई एम श्योर इट्स अ रियलिटी चेक, एंड आई एम श्योर थिंग्स आर नॉट मे बी एज इजी एज यू माइट हैव थॉट। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, सिस्टम इतने सालों से गंदा हुआ हुआ है, कीचड़ में है, उसको साफ करना, उसको स्ट्रीमलाइन करना, उसको। बट सो इन दिस प्रोसेस व्हाट डू यू थिंक इज योर पार्टीज बिगेस्ट स्ट्रगल टिल नाउ? देखिए दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी, अगर आप, अब तो दो सरकारें हैं भगवान की कृपा से, अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सबसे बड़ा स्ट्रगल ये रहा है दैट जब से हमारी सरकार बनी, इलेक्टेड गवर्नमेंट की जितनी पावर्स थी वो सारी छीन ली। ये तो लेकिन राघव हमने सुना है ना, मैं ये सबसे बड़ी स्ट्रगल no, है। अब मैं उसका 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 एक सबसेट है, ठीक है, कि आप बाबुओं की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा स्ट्रगल है मेरे नज़र में। अरे भाई, अगर मुख्यमंत्री अपना चपरासी नहीं लगा सकता तो वो काम कैसे लेगा? आप किसी बाबू को नौकरी से तो निकाल नहीं सकते, ठीक है जी, ठीक है, ट्रांसफर पोस्टिंग ही कर सकते हो। कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको एक अच्छा विभाग, तो हेल्थ सेक्रेटरी बनाओ, होम सेक्रेटरी बनाओ, और जो खराब कर रहा है उसको भेजो कोई ट्राइबल अफेयर्स में, तो जार पनिशमेंट पोस्टिंग हो उसकी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट? ये स्लाइटली पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आई नो इनकरेक्ट है, बट मैं आपको एक एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या हॉर्टिकल्चर में भेज। हां ठीक है, अच्छा हॉर्टिकल्चर इज फाइन, और एनिमल हस्बेंड्री विभाग का, एनिमल हस्बेंड्री विभाग का सचिव बना दी। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, प्लीज प्लीज, बट इन योर एक्सपीरियंस, राइट स्पिरिट, अगर आप वो नहीं कर सकते तो कोई आपकी क्यों सुनेगा, मुझे बताइए। यू नो आई हैव बीन स्पीकिंग टू माय टीम अबाउट यू आल्सो, द वन पर्सन यू रिमाइंड मी ऑफ when you hold press conferences and do interviews in your mannerisms is Arun Jaitley. बहुत लोग मुझे कहते हैं George, you talk like him. A lot of people say that. In fact, he and I had a very good relationship. Similarities तो बहुत लोग कहते हैं कि हैं, मतलब मिलते थे, प्यार से बातचीत होती थी, वो बड़ा regard करते थे, और अब तो वो खैर इस धरती पे नहीं रहे। I am one of his biggest admirers. I admire him a lot. I mean, हमारे political differences रहे, कुछ कुछ DDCA के फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और अलेज्ड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के बारे में हमने बातें रखी, मुकदमा हुआ, मुकदमा ख़त्म हुआ, लेकिन आई हैव ऑलवेज बीन इन हिज एडमायरर। मुझे याद है जब मैं लोकसभा इलेक्शन हारा था, ये एनेक्डोट पे तो आ रहा था, और उनकी तबीयत, ही लॉस्ट उनकी तबीयत बड़ी खराब थी, ही वॉज गोइंग थ्रू हिज प्रोबेबली लास्ट फ्यू डेज। सो मेरे एक बड़े सीनियर कॉलीग हैं हमारी पार्टी के, वो उनसे मिलने गए, एंड उन्होंने पहला सवाल ये पूछा कि राघव हार गया इलेक्शन, उस जैसे आदमी को जीतना चाहिए था, तो ठीक है, डिप्रेशन में तो नहीं चला गया? सो ही वॉज इंक्वायरिंग अबाउट माई यू नो फ्रेम ऑफ माइंड, माई मेंटल हेल्थ एक्सेट्रा। सो एंड आई हैव ऑलवेज हेल्ड हिम इन हाई रिगार्ड, पर वो एक इंसिडेंट था जब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो उस समय एंग्जाइटी भी थी, और उसके बाद थोड़े समय के लिए रिश्ते थोड़े से खराब हो गए। आप ऐसे ही बात करते हो लाइफ में या फिर ऑन कैमरा ऐसे बात? नहीं नहीं, ऐसे बात करता है। यू हैव अ वेरी लाइक, इट्स इम्प्रेसिव, इट्स नॉट लाइक, आई डोंट मीन इट इन नेगेटिव लाइट, बट यू हैव अ वेरी फॉर्मल वे ऑफ पुटिंग अक्रॉस योर पॉइंट्स एंड योर सेंटेंसेस, व्हिच आई एम श्योर कम्स फ्रॉम मेकिंग योर पॉइंट अक्रॉस इन अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, व्हिच आल्सो कम्स फ्रॉम एडमायरिंग अरुण जेटली। श्योर श्योर, आई डोंट नो, बट आई लाइक दिस विद योर फ्रेंड्स आल्सो, लाइक इन पर्सनल सेटिंग्स, और ऐसे ही है, ठीक है। मतलब मैं होप कर रहा हूँ कि मैं एक लेयर पीछे के राघव चड्ढा से मिल पाऊंगा आज। अब यही है राघव चड्ढा, और कोई लेयर ज्यादा है नहीं, ठीक है। स्कूल के बारे में बताओ, चलो
क्या बताऊं, स्कूल गुंडे थे ना आप? गुंडे हे भगवान, अरे नहीं था गुंडा यार, राजेंद्र नगर का गुंडा हूं मैं, एक दिन एमपी बनूंगा। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं था, आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट। यू डिड यू बुली पीपल बिकॉज़ मॉडर्न स्कूल में भाई मैं बुली हुआ भी और थोड़ा बहुत बुली किया भी होगा। हां यूजुअली लोगों को जब बुली होते हैं वो याद रहता है, जब बुली किया होता है वो याद नहीं रहता। सो स्कूल लाइफ वाज अच्छे दिन थे। इज देयर एनी गुड ओल्ड डेज? क्रिकेट के अलावा कोई और स्पोर्ट खेलते थे? बैडमिंटन आई यूज्ड टू प्ले स्टेट लेवल। अभी खेलते हो? अब कम मौका मिलता है, पैंडेमिक में बहुत खेला था। हाँ? हाँ, जब लॉकडाउन था तो। आप कहाँ खेलते हो, अपने घर में कोर्ट है कोई? नहीं नहीं घर भर में कोर्ट नहीं यार, मैं छोटे से घर में रहता हूँ। हाँ जी मैं हमारे ऑडियो भावेश जी आपको डांट रहे, राव देख लो, चिल्लाना है थोड़ा ऊंची ऊंची आवाज रखनी है, ऊंची। He lives in Kotla. If you want Kotla Mubarakpur. If you want to send guys to his house. नहीं नहीं हम ये सब नहीं करते हैं। ये सब चलो ठीक है, उस पर भी आएंगे, ये सब नहीं करते हैं। इन सब चीजों के लिए रमेश भिदुड़ी जी से संपर्क करें। नहीं बट डूड द रीसेंट अरेस्ट, लेट्स नॉट नेम हिम, तेजेंद्र बग्गा, लेट्स नॉट नेम हिम, बट इज दैट नॉट showing that देखो state machinery हम भी use कर सकते हैं, गुंडागर्दी हम भी कर सकते हैं, is that not that? देखिए इसमें पहली चीज इट्स अ प्रोसेस ऑफ लॉ, सेकेंड द मैटर इज सब जुडिस, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी मैटर है, दिल्ली हाई कोर्ट सब जुडिस, जब कोर्ट में है तो उस पर बात करना ठीक नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, बट आई पुट माई थिंग अक्रॉस की जो परसेप्शन आई है वो ये है कि भाई हम भी गुंडागर्दी कर सकते हैं, देख लो। एनीवे देखिए हिंदुस्तान में कानून है, इंडियन पिनल कोड में लिखी हुई है कौन कौन सी धाराओं में आप अपराधी या आपका किया गया काम अपराध कहलाएगा। अगर वो कोई धारा में कोई इंसान अपराध है, हाउ स्टेट मशीनरी मिसयूज लॉज इज समथिंग यू एंड आई नो ऑफ, राइट? नो नो आई एम नॉट बट सेइंग दैट स्टेट मशीनरी हैज नॉट बीन मिसयूज्ड इन सम अदर स्टेट्स एटसेट्रा, आई एम ओनली सेइंग आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं इस मुद्दे पे तो चलिए अभी मैटर ठीक है, इट्स सब जुडिस, इट्स फाइन, आई पुट माय पॉइंट अक्रॉस, माय ऑडियंस विल बी हैप्पी, यू can not answer it because it is sub judice, it is fine, both of us convenient. Anyway, I have a few serious questions. मैं hope मैं सोच रहा हूँ कब लाऊँ उनको, कब लाऊँ? ले आइए। नहीं नहीं ले आऊँ। हाँ अब IPL में किसको support करोगे, दिल्ली या पंजाब? मैं IPL देखता ही नहीं हूँ, honest। अरे come on यार, ऐसे थोड़ी होता है। last IPL मैंने आज से 8-10 साल पहले देखा होगा यार, पहले शाहीन बाग फिर डेली रायट्स, जहांगीरपुरी में आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज होती हुई दिखी जब आप लोग उस स्ट्रेटजी पे भी, मैं क्या बोलूँ, वो साइलेंस वाली से भी थोड़ी ज़्यादा एस्टोनिशिंग मुझे लगी पर्सनली, लाइक डिसअपॉइंटिंग बोल सकते हैं, कम्यूनल मैटर्स पे जहाँ दिल्ली में दंगा हो रहा है या फिर शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें शाहीन बाग में मनीष जी ने एक बार बोल दिया था और फिर पार्टी ने कुछ नहीं बोला उसके बाद, बट इज़ देयर अ स्ट्रेटजी टू नॉट स्पीक इन कम्यूनल मैटर्स बाय द पार्टी, बिकॉज I mean it, the reason might be anything, but is that a clear strategy? ये एक बहुत बड़ा तबका है जिसकी कोशिश है कि ये धारणा बनाई जाए, हम एक ऐसे युग में जीते हैं जहाँ धारणा ही वास्तविकता है, perception is reality, और ये धारणा बनाने की कोशिश की गई, which is absolutely wrong, absolutely wrong. सबसे ज़्यादा काम अगर किसी भी विवाद को, दंगा को, धार्मिक हो, कम्युनल दंगा हो एटसेट्रा, उसको शांत करने में सबसे ज़्यादा कोशिशें किसी ने करी और सफल कोशिशें वो आम आदमी पार्टी ने करी, लोगों के घर इस्टेब्लिश किए तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने करी, कॉम्पनसेशन दिया वो आम आदमी पार्टी ने दिया, सबसे ज़्यादा काम किया। अब मेरिट्स पे फैक्ट्स पे कोई बात नहीं करता, द प्रॉब्लम इज आई मीन पीपल आर एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन बट नॉट टू देयर ओन फैक्ट्स। No, what I'm facts saying, पे आप बैठे when riots were happening, क्या आप बात कर रहे हैं, हमारी सारी फौज ग्राउंड पे, एक तो वन इज इट्स अ लॉ एंड ऑर्डर इशू, तो पुलिस आपको ज्यादा नजर आएगी इन हैवी नंबर्स, और उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, पुलिस हमारे अंडर नहीं आती है, तो एक धारणा बनाने की कोशिश करी गई, लेकिन मुख्यमंत्री खुद गए, पूरी कैबिनेट गई, ये तो देखिए दीज आर प्लॉयज ऑफ द बीजेपी एंड अ सेक्शन ऑफ द कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को बदनाम करो। no, no, अब सुनिए मेरी बात, मेरे को जवाब, आपने सवाल पूछ के जवाब मेरे को देना, आराम से बोलो, एकदम आराम से बोलो। इनको हमारे खिलाफ कोई फाइनेंशियल करप्शन का मुद्दा नहीं मिलता, वो उनके पास है नहीं, इनको हमारे सरकारी कामकाज में, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज में, गवर्नेंस में कोई इशू, कोई फ्लॉ नजर नहीं आता, तो वो इशू इनका खत्म हो गया। अब ले दे के इनके पास एक यही इशू बचता है, उसी को बस भुनते रहते। आप मुझे बताइए, इस देश में पिछले 7 साल में माहौल खराब नहीं हुआ? आप बताओ हुआ? ऑफ कोर्स हुआ, कोशिशें करी गई, लोगों ने कुछ लोगों ने कोशिश करी है, और मेरा ये मानना है
कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। अब आप बताएं, जिन लोगों ने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, जिन लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे अटैक किया, उनके घर पे पथराव किया, सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिए, लैंप्स तोड़ दिए, गेट पे स्प्रेज कर दिए, वैंडलाइज कर दिया उनका घर, उनको दिल्ली पुलिस ने पहले तो पकड़ा नहीं, बहुत कोर्ट के प्रेशर के बाद, शोर शराबे के बाद पकड़ा, चार दिन बाद छोड़ दिया। जेल से रिहा होने के बाद वो सारे लोग सबसे पहले बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में गए, वहाँ बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उन सबको पार्टी का पटका पहना के उनको पार्टी ज्वाइन कराई। What does this mean? What does it show? No, but I'm saying, Raghav, I was there when the riots were happening, and I could see that the ministers were coming in innovas, but no one, like, उस वक्त जब लोग मारे जा रहे थे, like, I'm saying, sure, you don't have law and order, but didn't you, जब आपने आंदोलन स्टार्ट किया, उस समय तो आपके पास कुछ भी नहीं था, but आपने भारत सरकार को झुका दिया और आपने you acted as a pressure group. Why can't Aam Aadmi Party act as a pressure group in matters in which it does not have power? We have been. All throughout. Har cheez mein, Delhi police action leti hai kyunki hamara dabaav hota hai. Nahi to ye action hi na le. Ye to promote kare roz. Mahol bigaade, samaj mein zeher gholen. To hamara pressure hai, hamari sarkar baithi hai. To hi to karte hai ye. Hamare dabaav mein. I saw that there was silence from the leadership when communal tension was there in Delhi. Ek to ye. Let me. ये आपकी perception हो सकती है। I'm saying I'm registering my dissent with a young member of a party looking to go national. I'm saying maybe handling of that could have been better. One. Second, then, do you have any evidence that they're busawing Rohingyas and Bangladeshis to cause riots whenever they want? Is that based in any fact or knowledge that you have? Like, where does that statement come from? Is BJP के parliamentarians का, BJP के ministers का parliament में जवाब है, on the record जवाब है। मैं तो उन्हीं के जवाब को आगे बढ़ा रहा हूँ, that if you believe this, then what do you have to say about this? उन्होंने तो start questions होते हैं parliament में, उसके लिखे जवाब में ये सारी चीज़ें बताई हैं। उनका क्या सरकार यही कि ऐसे ऐसे हैं, countless numbers में settle हो गए हैं across इंडिया, और फैक्ट फिगर्स पूछेगा तो नंबर्स हमारे पास है नहीं, लेकिन कई लाखों की तादाद में है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है, मेरा कहना नहीं है, मैं आपको दे दूंगा। नो, बट आपका ये तो कहना है ना, लेकिन कि जहां दंगे कराने वहां इन्होंने रोहिंग्यास को, बीजेपी कहती है ना ये कि यही करते हैं, तो हम कहते हैं भाई आपकी सरकार है, अगर कोई भी, आई एम सेइंग द स्टेटमेंट वाज मोर सरकास्टिक देन आई एम सेइंग दैट अ पार्ट ऑफ इट वाज ए बी। ये लोग कहते हैं कि कुछ लोग नॉन इंडियंस बाहर से आकर यहाँ बस गए, केंद्र में सरकार किसकी है, दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है, सारी चीज़ें गृह मंत्री में वेस्ट होती हैं। दैट मीन्स गृह मंत्री इज इनकॉम्पिटेंट, अगर ऐसा हो रहा है तो, आई एम नॉट सेइंग हो रहा है, आई एम सेइंग अगर ऐसा हो रहा है देन किसकी जिम्मेदारी है, वेयर डज द बक स्टॉप, द बक स्टॉप्स एट द टेबल ऑफ द ऑनरेबल होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर जवाब दें, अगर ये कहते रोहिंग्यास आ गए, घुसपैठी आ गए, ये हो गया, वो हो गया, अरे भाई केंद्र में आपकी सरकार है, हम भी कहते हैं, आप कह रहे हो आ गए, चलो ठीक है, अगर आ गए तो आप क्या कर रहे हो, आपकी सरकार, आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। दैट मींस दैट द होम मिनिस्टर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज थरली इनकॉम्पिटेंट। नो, बट इन अ मैटर ऑफ, डू आई मेक सेंस और नॉट? श्योर, इन दिस लॉजिक श्योर, बट आई एम सेइंग राघव, सवाल पूछना चाहिए ना इन लोगों से, कोई उनसे, चलो आप बोलो उनसे सवाल पूछने का कोई जरिया तो होगा, कोई मेथड तो होगा, तो मैं तो उन्हीं से सवाल कर रहा हूँ, अगर ऐसा है तो आपने ये क्यों किया, क्यों होने दिया? अब बीजेपी के स्पोक्सपर्सन मिलते हैं, वो कहते हैं रोहिंग्या बस गए, अरे भाई बस गए तो आपने क्या किया, आओ चलो गृह मंत्री के घर के बाहर धरना देते हैं, लेट्स एक्ट एज अ प्रेशर ग्रुप, आप भी चलो, मैं भी चलता हूँ, बोलते हैं, मैं तो कहता हूँ बीजेपी के एमपीस को, कहता हूँ स्पोक्सपर्सन को, कहता हूँ आओ चलें, गृह मंत्री को बोला गृह मंत्री इस्तीफा दें, सिंपल सी बात है। बट सी, दिस इज अ वेरी क्लेवर प्लॉय बाय द बीजेपी। नो, बट आई एम सेइंग राघव, इन आई हैव टू क्वेश्चंस टू दैट। मैं बीजेपी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पता है आप बीजेपी के बारे में क्या सोचते हो, इसलिए मतलब, बट आई एम सेइंग, इन एन इंसिडेंट वेयर अ मिनी रायट हैपन्स इन जहांगीरपुरी, द मेजर आर्ग्यूमेंट दैट कम्स फ्रॉम द पार्टी दैट इज इन पावर इज द रोहिंग्या एंड द बांग्लादेशी वन। द मेजर आर्ग्यूमेंट ऑफ फॉर द पार्टी वॉज नॉट दिस, द मेजर आर्ग्यूमेंट वॉज दैट बीजेपी इज अ पार्टी ऑफ गून्स एंड लंपन एलिमेंट्स, वो ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, यही तो था आर्ग्यूमेंट, और क्या आर्ग्यूमेंट है, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इस पे थी, वहाँ पेटर्निज दी जाती है भाई। आप देखिए, आज इंसान, लॉ एंड ऑर्डर है हिंदुस्तान में, कानून है,
इंसान अपराध इसलिए नहीं करता, दंगा इसलिए नहीं करता या कोई मर्डर इसलिए नहीं करता कि भाई कानून है, कानून में मेरे को सज़ा हो जाएगी, मेरा कॉलर पकड़ के जेल में डालेंगे, फांसी पर चढ़ा देंगे, या जो भी सज़ा होगी मेरे को 7 साल 10 साल की कैद हो जाएगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पेटर्नेज दे और बोले विद इम्प्यूनिटी आप करो, जिस मर्जी को मारो, जहाँ मर्जी आग लगाओ, जो मर्जी झगड़ा फसाद करो, हम आपको पेटर्नेज देंगे, आपको पार्टी ज्वाइन कराएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस इनवाइट देकर आपकी फोटो खिंचवाकर हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया तक हर अखबार के फ्रंट पेज पे छपवाएंगे, आप आओ हमारी पार्टी में, तो क्या मैसेज जाता है आप सोचिए। बस आरएसएस के बारे में क्या ख्याल है आपका? कोई ख्याल नहीं, क्या ख्याल है क्या आपका? जो बीजेपी का ख्याल है उसी का सिमिलर है, मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड आरएसएस, मतलब उनकी मदर बॉडी है, इट्स द होल्डिंग कंपनी, बीजेपी तो सब्सिडरी है अकाउंटिंग भाषा में। अच्छा, अभी हमने प्राइवेट लिमिटेड एस्टैब्लिश किए। अच्छा अच्छा, इसको रजिस्टर कर लिया। हाँ, हम अपने सीए के टैक्स वैक्स बहुत देना पड़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह। हाँ, अच्छी बात है, देना चाहिए। बट वी आर लुकिंग टू अर्न आल्सो अ लॉट। यू विल अर्न आल्सो, यू विल ओनली पे टैक्स ऑन योर अर्निंग्स। हां तो फिर ठीक है, वो तो हाउ एल्स विल करेंगे यार। नहीं तो हम अपने सीए को लाएं, अभी आपके साथ डिस्कशन भी करनी है इंटरव्यू बाद। मेरी तो यार सीए प्रैक्टिस अब छूट गई है, बिल्कुल छूट गई, जीरो एक्चुअली, नहीं पूरी नहीं छूटी, यू नो व्हेन आई जब मैंने मुझे पार्टी ने कहा लोकसभा इलेक्शन लड़ना है, सो माय मदर डिडंट अग्री फॉर 8 मंथ्स, इलेक्शन तुम कहां लड़ पाओगे, बिल्कुल नहीं लड़ना, और ये हम नहीं कर सकते, हम वी कम फ्रॉम, मैंने बोला होगा ही नहीं, नहीं नहीं कि इलेक्शन नहीं लड़ना, वो एक कि तुम इसके लिए नहीं बने, तुम कहाँ लड़ पाओगे, तुम कैसे कर पाओगे, हमारी जैसे एक मन में होता है ना, अभी देखा है बीजेपी कांग्रेस के लोगों को इलेक्शन लड़ते हुए कि भाई हमारी फैमिली और हम लोग शायद ना लड़ पाएँ, तो यू शुड फाइट, शी वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट इट, एंड दो ऑफकोर्स शी बोथ माई मॉम एंड डैड आर फैंस ऑफ अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी, बट उन्होंने कहा भाई खूब काम करो, मेहनत करो, पार्टी को मजबूत करो, लेकिन खुद मत लड़ना। Anyway, finally she agreed, but she agreed on some conditions. Which one was? दो तीन थी, उसमें से एक कंडीशन ये थी कि आप कभी भी इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम ऑफ द इलेक्शन, आप हारो या जीतो, अपनी सीए प्रैक्टिस नहीं छोड़नी कभी भी, दैट शुड बी योर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ अर्निंग एंड रेवेन्यू थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है, तो वहीं कमाई वहाँ से हो, दैट शुड बी योर ब्रेड विनिंग एक्टिविटी एज दिस, ताकि कभी भी इंसान के पास कोई जरूरत हो तो फिर वो किसी और दिशा में जाकर पैसे कमाने की कोशिश ना करे। बात है। So I've tried to keep up with that promise and अपनी एक छोटी सी हमारी सीए practice। तो अभी है, अच्छा, but you are not personally, मतलब I've employed people who run the show for me, successful businessman also। नहीं ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है, we do something called as transfer pricing, which is basically international taxation के अंदर एक subset होता है ट्रांसफर प्राइसिंग का, तो उसकी एक कंप्लायंस होती है, ऑडिट्स होते हैं, तो वो करते हैं, 30 नवंबर वाली हमारी डेडलाइन होती है। पंजाब की सरकार का कोई टेंडर इस कंपनी को तो नहीं मिलेगा ना? सीए पापू का टेंडर मिलेगा? मुझे नहीं पता यार, इट्स अ जोक, आई फेल्ट आई नीडेड टू आस्क। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पक्का जवाब देंगे? पक्का दूंगा, प्रॉमिस, पक्का। नहीं अगर आज सबसे पहले सवाल तो बताओ, ऐसे अगर आज आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी हो, हिंदुस्तान में 1200 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी हो तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? 1200 से ज्यादा आप नहीं कर रहे, यू आर नॉट ज्वाइनिंग, आई एग्री, बट इफ यू वर टू ज्वाइन, इफ आई वर टू ज्वाइन, व्हिच पार्टी वुड यू ज्वाइन? वेल डिपेंड्स ऑन व्हिच स्टेट आई लिव इन। I will say something. No, देखो, सुनो, answer तो सुन ले, लंबा नहीं, answer तो सुन ले दोस्त। I will say something, but take it as a joke. Because I know you guys think I'm better friends with him. I might be, but I would join the Swaraj India party. कहाँ रहते हैं दिल्ली में? मेरा वोटर आईडी प्रीतवर का है। विश्वासनगर विधानसभा से आपका आज तक कोई नहीं जीता। 2013 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो। मिल गया कैंडिडेट। मिल गया। अगेंस्ट नहीं नहीं नहीं। हो गया हो गया हो गया। और हम ढूंढ रहे थे बड़े दिनों से कि कोई मजबूत आदमी मिले जो विश्वासनगर से है नहीं आपको स्ट्रांग। विश्वासनगर के लोग अब आप ही पे विश्वास करेंगे। ओ मैन। हो गया फाइन। बट आई लिव इन वसंतपुर। राहुल नोट कर ले। माँ के साथ रिश्ते के बारे में बताओ। मम्मी के साथ रिश्ता जितना जो बता सको, जो नहीं बताना आपकी मर्जी। जैसा होता है बेटे का अपनी माँ के साथ, फिर भी झगड़ा बहुत करते हैं, बहुत डांटती हैं, उनका प्यार ही डांट वाला है। जैसे कुछ माएँ होती हैं ना जो सारा टाइम मेरा प्यारा बेटा, मेरा राजा बेटा, प्यार कर, कभी नहीं करती और बात पे डांटती। हमें प्यार भी करना होता तो डांट के जरिए शी कन्वेज हर लव एंड अफेक्शन। अभी लास्ट डांट क्या पड़ी है? अभी पड़ी है, थोड़ी देर पहले आने से पहले। अभी उन्होंने क्या बोला? शी हैड सेंट सम फ्रूट्स फॉर मी कल। अच्छा। जब कल मैं घर से निकला सुबह, तो जो घर से मैं खाने की बास्केट लेके जाता हूँ, तो उसमें
इन लोगों ने फ्रूट्स डाल दिए, लंच डाल दिया, तो मैंने लंच तो खा लिया, फ्रूट्स नहीं खाए, तो घर आ गए वापस, वो खराब हो गए, तो बस इसलिए डांट पड़ी, तुम पढ़नी चाहिए, खाना वेस्ट कर, किसी ने इतनी मेहनत से, तुम्हें कदर नहीं है, ये नहीं है, डांट पड़ती, हर बच्चे को पड़ती है। घर के काम में हाथ वाथ बटाते हो या नहीं, उतना टाइम ही नहीं है, बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाते, घर वालों का सपोर्ट है इसीलिए ये कर पाते हैं। भगवान में मानते हो? मानता हूँ। Is there any specific deity you pray to or like? हनुमान जी। हनुमान जी। अब मैं आपको ABP की कन्वेंशन की तरह नहीं बोलूंगा हनुमान चालीसा, जरा ये सुना दे कुछ। अरे नहीं भाई, क्यों सुनानी है? Like why is that a thing in interviews? I don't get it. आपको आती नहीं आती उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक बात। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है उससे? Have you met Mr. Modi? Once. How was it? ठीक था। He does have an aura, right? ये नहीं। ये आप नहीं बोल सकते। मतलब I had gone, मैं मिला था बेसिकली नीति आयोग की एक मीटिंग हुई थी सारे चीफ मिनिस्टर्स की, जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, तो मैं अरविंद जी के साथ गया था। सो सारे CMs वहाँ पर थे और प्राइम मिनिस्टर थे, जेटली साहब थे, अमित शाह जी थे, अमित शाह जी नहीं थे तब, ये तो पहले की बात है, ही वाज नॉट अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, वो भाजपा अध्यक्ष थे, राजनाथ सिंह जी थे, आई थिंक पीयूष गोयल थे और एक और शख्स था। सो बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, सारे एक पंचवटी गार्डन है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में, सेवन रेस्क्यू, यू बिन टू द हाउस, वही अंदर ही थी, तो पंचवटी लॉन्स में मैं खड़ा हुआ था। सारे सीएम्स अपने एक दूसरे से बात कर रहे थे। नीतीश जी को मैं अच्छे से जानता हूँ, नीतीश कुमार जी को पुराना, मतलब ऐसा कोई बचपन से नहीं जानता, मतलब जब से राजनीति में आए तब से जानता। तो नीतीश जी वहाँ खड़े थे, उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने मेरे को बुला लिया, सो आई वॉक्ड अप टू हिम। तो नीतीश कुमार जी और मैं खड़े होकर बात कर रहे थे, मैं गप्पे मार रहे थे, तो और बिहार के इलेक्शंस आने वाले थे 2-6 महीने बाद, तो बस प्राइम मिनिस्टर ने आना था और मीटिंग शुरू होनी थी। ठीक है। सो द प्राइम मिनिस्टर वॉक्स इन वेयरिंग अ येलो कुर्ता, द फर्स्ट पर्सन ही वांट्स टू कम एंड मीट इज नीतीश जी, परहैप्स बिकॉज बिहार का चुनाव आने वाला है, तो वो आए सीधा नीतीश, मैं साथ खड़ा था, तो आई सॉ हिम, नमस्ते हुई, बस मैं पीछे हो गया, वो नीतीश जी को हाथ पकड़ के ले गए, उनसे कुछ बात कर, तो यही तो मतलब क्रॉस पार्टी मीटिंग्स, और क्योंकि ये कुछ कुछ दोस्त हैं। हाँ, बताओ बताओ, और कौन दोस्त हैं आपके? काफी। अरे बताओ ना एक दो नाम। डेरेक ओब्रायन बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, वो तो ठीक है, तृणमूल कांग्रेस के। हाँ, और पूछो, और बताओ, आर यू अ फैन ऑफ डेरेक फ्रॉम बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट? ऑफ कोर्स, है ना, एवरी संडे आई यूज्ड टू वॉच, पता नहीं उसको मैंने बताया नहीं बताया, एवरी संडे। अच्छा, यू आर उसको विद हिम? हाँ, मतलब उनको नहीं होना चाहिए, योर कॉल, उनको उनको, सॉरी डेरेक, डेरेक जी, मिस्टर ओब्रायन, मिस्टर ओब्रायन, नहीं नहीं, आई एम जोकिंग। I have a bunch of young people's issues which I want to. बताओ. You could do rapid fire with them. You could. आप issues बताओ. I'll make a note of it. मैं तो भी parliament में गया नहीं. I'm asking your views on it. अच्छा. Homosexual. यार फिर एक controversial भी आप चीजें पूछेंगे. Controversial. अगर आपको ना बोलना तो आप ना बोल देना. आप बोलना no comment. I don't want to make you uncomfortable. My whole aim is to talk to a young MP. I think parliament is such an underrated thing in the larger society. और अब उसका मिसयूज़ भी थोड़ा शायद ज़्यादा हो गया कुछ, और मैं ये नहीं बोलूँगा सिर्फ मोदी सरकार के बाद, उससे पहले भी। सो मीटिंग अ पार्लियामेंटेरियन इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर मी, इट माइट सीम लाइक आई एम हैविंग फन एंड एवरीथिंग, बट टू डिस्कस एक्चुअल इश्यूज विद यू, इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी। उसके लिए फिर सीरियस इंटरव्यू करना चाहिए था। अरे यार, इट फनी इंटरव्यू करना, इट्स अ मिक्सचर। होमोसेक्सुअलिटी, व्हाट इज योर ओपिनियन? इट्स फाइन, the supreme court has passed a judgment on it, you're fine with it? Yeah, cool. Marital rape, I don't agree with the verdict of Justice Hari Shankar. Cool. So you think marital rape should be criminalized? I have not read the full judgment, but cool. I certainly do not agree with Justice Hari Shankar. So you tilt in that? I tilt towards the other person's view, the other judge's view. Samajh gaya. Love ji, Justice Hari Shankar's view is, in my view, kind of erroneous. Cool. It is, you think it's regressive? Yeah, it's regressive, it's wrong. Got it. Love jihad. सब बकवास ये लोग करते रहते हैं, बीजेपी ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता कि बीजेपी क्या करती है, आप समझिए। नहीं नहीं, आप लव जिहाद पे रहो, डोंट गो टू बीजेपी, स्टे ऑन लव जिहाद। नहीं, व्हाट अबाउट इट, इज इट ट्रू, इज इट नॉट अ कॉन्स्पिरेसी बाय मुस्लिम मेन? पर्सनली फील लव जिहाद जैसे मुद्दे हैं, ये सारी चीजें बीजेपी उठाती है अपना वोट बैंक क्रिएट करने के लिए, अपना सोसाइटी को पोलराइज करने के लिए, ये बीजेपी के बनाए हुए इश्यूज हैं सारे। डायलॉग विद पाकिस्तान, अब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है। बट यू आर एन एमपी फ्रॉम पंजाब, बट आई डोंट विश टू, एक्सटर्नल अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी, डायलॉग विद पाकिस्तान एटसेट्रा, दीज आर इश्यूज जिसमें जो सरकार का व्यू है वो हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, यू विल एग्री विद भारत के, हाँ, जहाँ तक भारत की प्रभुता अखंडता की बात है, हमारी सहिष्णुता भी एक चीज होती है ना जो आप लोगों की ओथ में आती है। आई डोंट नो व्हाट इट इज, ओथ में नहीं आती। नहीं, यू गिव द ओथ इन इंग्लिश, आपने तो इंग्लिश में ली थी। हां, मैं एक्चुअली लेट हो गया था ओथ में, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। बड़ा ये भी एक, अब आप सब पूछ लेंगे हमसे, बिफोर गोइंग फॉर दिस ओथ
मैं मेरे घर के पास एक गुरुद्वारा है जिसमें मेरी मदर बहुत विश्वास रखती हैं जाती तो मैं MLA जब बना उसका जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करे तो उस गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका फिर जाके कागज़ दाखिल करे तो MP की ओथ से पहले भी मैं उस गुरुद्वारे में गया। अब मेरी मदर थोड़ी सी लेट हो गई, हम 15-20 मिनट शेड्यूल के पीछे हो गए, हमने शायद 11 बजे पहुंचना था पार्लियामेंट। वाइस प्रेसिडेंट का समय था कि भाई मैं 11 से 11:10 तक कराऊंगा, 5-6 मेंबर्स की ओथ थी, सबकी ख़त्म हो गई, वाइस प्रेसिडेंट उठ के अपने चेंबर में चले गए, मैं 11:20 पे पहुंचा लेट। तो फिर मैंने भेजा दैट लिख के स्लिप कि सर आई एम सॉरी आई एम लेट। बेचारे वो फिर से आए, मैन यू मेड मिस्टर नायडू वेट, थैंक यू सो मच टू हिम, ही वाज वेरी वेरी जेनरस। या आई सॉ द वीडियो, यू वर अच्छा अच्छा था, उन्होंने आपको रूल्स बुक भी दी कुछ और? हाँ, उन्होंने बोला रूल बुक ले लेना। हैव यू बीन रीडिंग इट? नहीं अभी करूंगा पढ़ाई। इट्स अ ह्यूज कंट्री, डू यू फील लाइक इट्स टू मच रिस्पांसिबिलिटी समटाइम्स एंड मे बी हाउ द सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड लाइक 250 देयर एंड 543 देयर मेकिंग लॉस फॉर द होल कंट्री, डू यू थिंक इट्स स्ट्रक्चर्ड इन अ रॉन्ग मैनर और डू यू थिंक इट्स इनफ टू इंटरेस्ट दीज मेनी पीपल विद मेकिंग लॉस फॉर इंडिया? जस्ट रैंडम क्वेश्चन। I certainly agree कि पूरी पावर कोई 4-5 लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेट नहीं होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। और पार्लियामेंट के कई सारे प्रोसेसेस हैं, अगर आप उन प्रोसेसेस से जाएं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ठीक है हिंदुस्तान का। अब जैसे आप फार्मर्स बिल की बात करें, वो बिल आया, इन्होंने अपनी दल बल की ताकत से, मसल पावर से, नॉट विद द पावर ऑफ द नंबर्स, राज्यसभा में उस बिल को पास करके कानून बना दिया। जब आप बिल लाए, मेंबर्स ने बिल पढ़ा नहीं, उस पर डिस्कशन हुई नहीं, अगर कोई विवाद है तो आप सिलेक्ट कमेटी को भेजिए या किसी एक पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करिए जो वो कानून को पढ़े, थ्रेड बेयर एक एक प्रावधान को पढ़े, बताए इसमें क्या कमी है। अगर उस पूरे प्रोसेस का पालन हो, उसे फॉलो किया जाए, सो द पार्लियामेंट्री प्रोसेस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा 543 एंड 250 इज फाइन। कहाँ ज्यादा होप है, हिमाचल या गुजरात? मतलब जैसे इन पांचों में भी आपको पता था कि पंजाब में होप है, ऑब्वियसली स्ट्रेटजी में दिख रहा था, ये सब मत पूछो, बता दो, या अभी नहीं डिस्कस हुआ? आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? आपके हमारे थ्रू एक को पता लग जाएगा ना राघव क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं उनको वैसे बता दूंगा फोन कर जो वॉलंटियर थे उनको भी तो पता लगना चाहिए ना। दोनों जगह होप है, दोनों जगह होप है, पर क्या एक, चलो ये मत बताओ किसकी ज्यादा, पर क्या एक जगह ज्यादा है दूसरी से? ये सब सवाल का जवाब नहीं होता यार। अरे शायर आदमी हो गया। जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, दोनों जीतेंगे, ठीक है, यू फाइट टू विन। घर में बनता चिकन मटन? पहले बहुत लंबे अरसे तक नहीं बनता था, अब आ जाता है, होम डिलीवर तो हो जाता है। Which app do you use? Zomato? मैं नहीं करता यार, मैं बोल देता हूं। Obviously आप खुद थोड़ी करोगे। Zomato, आजकल सब Zomato नहीं यूज करते? स्विगी भी करते हैं लोग, और मीट के लिए तो फिर बहुत सारे आ गए ना, जो सारे लोकल मीट वेंडर्स खत्म हो रहे हैं। इस पर प्लीज आप देखो, प्लीज ये मीट की एप्स और ये सुपर मार्केट से लोकल वेंडर्स खत्म होने वाले हैं क्या? लाइक वॉट इज द आई थिंक गवर्नमेंट, यू रन टू गवर्नमेंट्स नाउ, योर पार्टी, आई थिंक यू शुड लुक इन टू लोकल वेंडर्स and their economic health, yeah, and their future, you should definitely look into it. I think local, because aap log political cheezon mein to bahut sari unconventional cheeze kar rahe ho, samajik taur pe bhi if you guys focus your energies on it. Fair enough, point noted, friendly aadmi karenge kya karenge. We can take food now, aaiye if you want, kha sakte, chalo theek hai, khate, thank you. Wow, katori lenge ya? ले लीजिए, क्या है खाने में ये देखना पड़ेगा, चलो ले लेता हूँ। क्या है आपके लिए? डाइट कोक है। मैं कोई सुखबीर बादल आपको पता है ना, सुखबीर बादल इज एडिक्टेड टू डाइट कोक। हाँ है भाई, ऑफकोर्स यू नो, आप ही लोगों ने तो अफवाह फैलाई होगी ना। अरे यार कभी ऐसे कुछ, चलो आप ले लो पहले खाना। नहीं नहीं बताइए, आर्टिफिशियल लगेगा ना। अरे अच्छा, आप टाइम यूटिलाइज करना चाहते हो, जितने सवाल है पूछ ले, इतना इरिटेट क्यों कर रहा है मुझे? Have you ever had to do something like against your principles and mean and unethical in an election campaign which you didn't really need to do? Haan ya na bol do bas. No. The right answer is no. You said yes, right? No, I said no. I said an emphatic no. Yaar, Ambedkar aur Bhagat Singh hain aapke heroes? Hain. He talks about in religion, hero worship can lead to maybe the salvation of the soul. But in politics, hero worship is a direct road to degradation and dictatorship. He says it. I'm glad you spoke about how AK can take criticism. I don't know if you call him AK or Arvindji, whatever. I've never met him. But how do you make sure that a hero worship culture doesn't set in your party, in your volunteers, and also at the same time making sure that the perception that
मोदी एंड बीजेपी हैव विद ईच अदर, एके एंड आम आदमी पार्टी डोंट हैव विद ईच अदर? देखिए दो तीन चीजें हैं इसमें, बट एक सेंटेंस बस और बोलूंगा फिर आप आराम से बोलना. डू यू थिंक इट्स अ जेन्युइन कंसर्न व्हिच आई एम रेजिंग, या फिर वो कोई सवाल ही नहीं है? मैं बताता हूँ आपको. पहली चीज तो ये है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक हेड नहीं होगा, कोई एक कमांड सेंटर नहीं होगा, कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी सफल हो ही नहीं सकती. एक चेन ऑफ कमांड किसी भी चीज़ में, फौज में भी होता है, हर जगह होता है, वो होना बहुत ज़रूरी है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस में क्या है? पता ही नहीं कि कौन लीड कर रहा है, डिसीजन मेकर कौन है, कौन फैसले लेता है, कौन सी वो बॉडी है, कौन लोग हैं. इसीलिए कांग्रेस का आज ये हाल है. बीजेपी में क्लैरिटी है, आम आदमी पार्टी में क्लैरिटी है, पहली चीज. दूसरी चीज, मेरा अपना मान, और मैं क्योंकि पर्सनल एंड आई कांट गिव यू एन अनबायस्ड आंसर, मेरे लिए तो अरविंद जी इज अ मेंटोर, एक गुरु की तरह है. मैंने एक शिष्य को, शिष्य ने एक गुरु को धारण किया. उनके साथ ये सफर में मैं उनकी उंगली पकड़ के चला हूँ. सो फॉर मी फॉर एवर एंड एवर ही विल होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट, एंड आई माई रिगार्ड फॉर हिम, माई लव फॉर हिम, माई रिस्पेक्ट फॉर हिम इज immense and supreme. Sure. So, completely understand, he is my guru, he is my mentor, he is my leader. He is much more than that. So, which is a very, thank you for being so honest. Yeah. But do you think आगे जाके hero worship could be an issue which you guys need to predict? And देखो आप किस चीज को hero worship कहते हो? I don't know. I mean you first have to define that hero worship क्या होती है. But, so Ambedkar talks in a sense where you आप क्या समझते हैं hero worship? नहीं, मैं आज तो, के इस दौर में क्या हीरो वर्शिप है? उनका दौर अलग है. क्या होता है, एक तो डायरेक्टली लिटरली भगवान से कंपेयर कर देना एक लीडर को, तो बीजेपी करती रहती है. हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, कैसे आप मेक श्योर करोगे? मेरे सवाल में ये इनहेरेंट है कि मोदी और बीजेपी के साथ ये होता है. इसमें ना बॉस, देयर आर फार ग्रेटर इश्यूज टू डील विद. ये बड़ा मिनिस्क्यूल सा है. बट राघव, इफ अ पर्सन बिकम्स बिगर देन एन इंस्टीट्यूशन, व्हाट हैपेंस देन इज यू एंट्रस्ट देम विद पावर्स दैट आर देन अनअकाउंटेड फॉर. पीपल become big or bigger, become institutions in themselves or bigger than institutions by votes of people. People elect them. हम जनतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, लोगों के वोट से लोग बनते हैं. सुप्रीम पावर तो लोगों के हाथ में है. किसी को आप राजा बना दो, किसी को रंक बना दो, तो लोगों के हाथ में. सो डेमोक्रेसी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल इक्वलाइजर. आप डेमोक्रेसी में विश्वास रखो. सारे चेक्स एंड बैलेंसेज जो हैं वो डेमोक्रेसी बढ़िया तरीके से. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हम पंजाब की इतनी बात कर रहे हैं. Sure. मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी फॉट फ्रॉम ए सेकंड कंस्टिट्यूएंसी बधौड़. आम आदमी पार्टी का एक गरीब उगेगा, लाभ सिंह उगो के, वो गरीब आदमी दलित फैमिली से आता, मदर उसकी स्कूल में सफाई कर्मचारी हैं, और वो बेचारा मोबाइल फोन रिपेयर करने वाली शॉप में नौकरी करता है, अपनी दुकान भी नहीं है, और बाप उसके साइकिल के पंचर लगाते थे उनके उसके फादर. उस आदमी ने, उस गरीब आदमी ने 2-4-5 लाख रुपए खर्च करके एक इलेक्शन लड़ा और सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हरा दिया. ये लोकतंत्र है, दिस इज़ डेमोक्रेसी. मैं इसलिए नहीं खुश हूँ कि मेरी पार्टी का आदमी जीत गया, या मैं को इंचार्ज था पंजाब का और उसने हरा दिया और बल्ले बल्ले हो गई. ये दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी. तो बड़े बड़े सिंहासनों को डोल देते हैं ना, बड़े बड़े लोग जो महाराजे बैठे, जिन्होंने सोचा मैं इलेक्शन हारेंगे ही नहीं. कैप्टन साहब की फैमिली आज तक इलेक्शन नहीं आ रही, कैप्टन साहब भी नहीं आ रहे, हार गए, फोर्थ या फिफ्थ आए, मेरे ख्याल से जमानत भी नहीं बची. ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है. सो इट्स लोगों पे ये छोड़ो कि लोग किसको बनाएंगे, किसको बिगाड़ेंगे. हीरो वर्शिप व्हिच कैन लीड टू अ डिक्टेटरशिप इज नॉट अ बिग कंसर्न इन इंडिया राइट नाउ. इट माइट नॉट बी अ बिग कंसर्न फॉर योर पार्टी, बट व्हेन यू लुक एट हाउ मोदी जी इज ट्रीटेड. कुछ लोग ऐसे हैं, हां ऑफ कोर्स, अभी लुक एट द एग्जांपल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. The way they have not become bigger than institutions. They have destroyed institutions. CBI destroy कर दो, अपना एक औजार बना दो पार्टी का. ED destroy कर दो, पार्टी की एक आर्मी बना दो. मीडिया, अब आप उसी की हालत देख लीजिए. I mean, पहले जर्नलिस्ट होते थे, फिर प्रोपागेंडिस्ट बन गए. तो कैसे institutions को बर्बाद किया गया, वो तो एक concern है और रहेगा. और ये मुझे ऐसा लगता है एक दौर आएगा जब लोग समझेंगे, देखेंगे, और ऐसे लोगों को फिर उतारेंगे ऊपर से नीचे. पर उसके लिए वाइबल अल्टरनेटिव्स होने ज़रूरी हैं. मेरा अपना ये मानना है कि कांग्रेस कैन नेवर बी दी अल्टरनेटिव टू बीजेपी. आज की कांग्रेस
एंड राहुल गांधी इज़ प्राइम मिनिस्टर मोदीज बिगेस्ट एसेट. वो अगर अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं ना, लाइबिलिटीज एक तरफ लिखते होंगे, एसेट एक तरफ, तो मोस्ट वैल्यूबल एसेट दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इज राहुल गांधी. राहुल गांधी से लड़ना आसान है, हमेशा जीतोगे. लड़ाई दिखाओ कि मैं तो राहुल से लड़ रहा हूँ, राहुल इनसे लड़ रहे हैं, हर बार जीतोगे. लड़ो अरविंद केजरीवाल से, लड़ो आम आदमी पार्टी से. If you were to give a pitch to someone who lives in a place where Aam Aadmi Party is not very active or is not the first option for government right now, what would be your pitch to that person? Ek mauka Kejriwal ko. Who's your favorite superhero apart from Kejriwal? MCU or DC? Shaktiman ya Arvind Kejriwal? Shaktiman. Shaktiman. Chalo, theek hai. Yaar, aapne kisi Congress ke shakhs ka interview kiya? Maine Milind ka kiya tha. Kanhaiya and Channi ji. Acha, Channi ji ka bhi kiya. Milind, Kanhaiya and Channi ji. BJP? बीजेपी मनोज तिवारी का किया दो बार. दो बार? हाँ. बहुत बदमाश हो यार. क्यों? बेचारे भले आदमी को परेशान करते हैं. He's a nice guy. I don't know. He's a really nice guy. I am pretty sure you must have ripped him apart. Did I rip you apart? No, but I never try to rip anyone apart. I'm just like this. ऐसा ही हूँ. मैं अपने दोस्तों से भी ऐसे ही बात करता हूँ. And they're like, तू ऐसे क्यों कर रहा है? जूते कहाँ से लिए? बहुत से जूते. अब देखो क्या इरिटेट नहीं, अभी दिस इज इरिटेटेड फेस. राइट, दा मिलानो. राइट, हां बोलना. चलो हो गया ना, मतलब नहीं बता रहा हूं. वन थिंग दैट इरिटेट्स यू अबाउट योर पार्टी, आई लेट यू गो नाउ फॉर दिस. डोंट से वी आर नॉट एक्सपेंडिंग एट द स्पीड व्हिच वी शुड एक्सपेंड. ये वाला नहीं, आई थिंक अबाउट इट. सही चीज बताओ, कोई क्रिटिसिज्म जिससे आप अग्री करते हो कि वाह हां यार इसमें थोड़ा चूक है और काम करना है. ऐसा कोई ध्यान नहीं आ रहा है. आप कुछ आइडियाज हो फिर जवाब दे. मैंने तो इस इंटरव्यू में बहुत अपने डिसएग्रीमेंट्स तो बता दिए पार्टी के साथ क्या क्या मेरे. मेरे कोई डिसएग्रीमेंट्स होंगे तो मैं अपनी पार्टी के अंदर वॉइस करूंगा ना, आपको क्यों बताऊंगा. हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, आंसर हो सकता है आपका. और क्या, बिल्कुल ठीक है. तो मेरा पारिवारिक मामला है. ठीक है, सही कह रहे हो आप. मेरी पार्टी मेरा परिवार है, आपस में बैठ के बात करेंगे, बताएंगे एक दूसरे को. और बताएं. आप तो क्या इरिटेट हुए हो. नहीं नहीं, चाय मंगवाऊं आपके लिए. आपको जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा इस कैमरा में देख के, इन हिंदी पंजाबी इंग्लिश व्हाटएवर. ये वाला हाँ, ये वाला, ये जो भैया बैठे हैं इनका जो कैमरा. अच्छा, देखिए मैंने लाइफ में बहुत इंटरव्यूज किए. हाँ, लेकिन ऐसा इंटरव्यू नहीं किया. आप इस इंटरव्यू को जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें. अनफिल्टर्ड बाय संदीश. अनफिल्टर्ड बाय संदीश को सब्सक्राइब करें. संदीश नहीं, संदीश. 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 यस. संदीश. यस राहुल. संदीश. को सब्सक्राइब करें और जरूर देखें, सारे वीडियोस देखें. हाँ. और ये इंटरव्यू कम से कम 25-50 बार देखें, हमारे व्यूज बढ़ाएं. कम से कम 10 मिलियन तक इस व्यूज के काउंट जाने चाहिए अगले 6 महीने में. दैट्स माई टारगेट टू यू. वंडरफुल यार राहुल, नहीं तो मैं रॉयल्टी दूंगा यार. और हमारे सब्सक्राइबर्स कितने हो जाएंगे इस वीडियो के बाद? अब वो तो देखेंगे. That's a metric that you'll have to watch cool, very closely. Yeah, cool. बढ़ने चाहिए. Thanks a lot, Raghav. No, I really liked your vibe. I liked that you were so humorous, and I liked the fact that you were so irritated and chose not to show it. Yeah. I loved that about you. I loved that you respected. We had spent money on the shoot, and you chose to cooperate. Yeah. I know that you wanted to step out after the first question. ये जितनी cost है election expenditure में जुड़ेगी आपकी. ये वो तो जब आचार्य संगीता लगेगी उसके बाद. इतना तो हम भी जानते हैं साहब, इतना तो हम भी जानते हैं. सिर्फ आप ही थोड़ी है पॉलिटिक्स में, हम भी थोड़ा जानते हैं. ऐसे कैसे? बिल्कुल ठीक है. इलेक्शन एक्सपेंडिचर, ये तो एक इंटरव्यू हो रहा है. ठीक है, ठीक है. नहीं नहीं, हम पता क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ. देखो जहाँ से भी मैं खड़ा होने वाला हूँ ना, आप तो कैंडिडेट खड़ा नहीं करोगे, कांग्रेस में बात कर लूंगा. बीजेपी से भी बात कर लूंगा. अगर नहीं होगा ना, जिसका भी कैंडिडेट खड़ा होगा ना, उनको बिना बताए इलेक्शन से पहले उसका इंटरव्यू कर लूंगा. And I will do it, do the interview in a way where I look smarter than that. जैसे मनोज तिवारी का किया था. But what are you saying? No, dude. वो एक genuine interview था. मनोज जी का. I'm anticipating क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक. Dude. और मनोज जी लड़ गए. You are the party which did not speak to me because I was told by your party. अब आपने मजाक किया था, हम भी मजाक कर ले. YY का interview के बाद, I was told योगेंद्र यादव का interview किया. I was told why the obvious digs on Arvind. And then when I interviewed Channi ji during the election season. अब देखो सीरियस हो गए आप. मैं सुन रहा हूँ. ठीक. आई एम पेइंग अटेंशन टू यू. आफ्टर द इंटरव्यू दैट आई डिड विद चन्नी जी. डूड मैन, कोई इंटरव्यू नहीं दिया मेरे को आप लोगों ने. मैंने दिया ना इलेक्शन के बाद. इलेक्शन में सब बिजी होते हैं यार. इट्स नॉट फेयर टू सीक और कंपेल समवन टू गिव एन इंटरव्यू. इलेक्शंस के दौरान बहुत व्यस्तता होती है एक इंसान की, बहुत मुश्किल होता है. मुझे भी बोलते तो नहीं, मैं तो इतने सालों से वेट कर रहा था कि आप कब आएंगे, मेरा दरवाजा खटखटाएंगे. एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, आई डिड रिसीव एन इंस्टाग्राम फॉर योर फ्रॉम योर प्रोफाइल. आई थिंक ही सेंट इट.
बट उस समय फिर आई वॉन्टेड मनमान साहब एन ए के, चलो दिल टूट गया मेरा. एनीवे anyway, एक अब, बार अब हमें से काम चला अब, लो अगर आपको ऐसा लगा इस बात से तो आई एम सॉरी. यार कमॉन यार, ऐसा नहीं बोल रहा मेरा राघव. अरे नहीं, आई डोंट टेक एनीथिंग. आपका इंटरव्यू 10 मिलियन जाना है. अब एक बार सीरियसली बोल दो. मैं अब आपकी किसी बात का बुरा, मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानता हूं. यू आर नाउ अ कॉलीग, अ पार्टी कॉलीग, तो मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानता. अच्छा एक सेकंड, आप मेरे अपने आप. देन अब आई विल डिफेंड यू. हाउ हाउ यू डेल्ट विद योर पार्टी कॉलीग्स इन 2015 इज नाउ हाउ नॉट हाउ आई वांट टू बी डेल्ट विद. देखिए ऐसा है. हां बोलो बोलो. हम आपका ख्याल रखेंगे. आप नेला मारोगे तो मैं मारूंगा ना देला. हम आपके ख्याल रखेंगे, आप हमारे साथ रहें. ठीक है. और बहुत जल्द आप इंडियन पार्लियामेंट में जाएंगे. वाओ, अच्छी स्पीचेस. आई डोंट थिंक आई डिजर्व और आई एम रेडी. नो नो, आई थिंक चलो पहले पार्टी ज्वाइन कर ले, पार्टी के लिए काम करो. यू नो व्हाट, आई एम एन अपर कास्ट गाय फ्रॉम लाइक आई एम द डेफिनेशन ऑफ इंडियन प्रिविलेज. लाइक विमेन, दलित्स, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज कम्युनिटीज should increase. वो मेरे को आपसे बात करनी थी, women in politics and the lack of women in आम आदमी पार्टी, but ठीक है, अलग से करेंगे. हाँ, वो अलग से कर लें, क्योंकि जितना भी highest है ever, whether it's the Delhi assembly or the Punjab assembly, but वो ठीक है, highest ever. But और कोई पार्टी ना टिकट देती है ना, तो बढ़ाएंगे ना. But और direct बढ़नी चाहिए. I agree with you. Yes, बढ़नी चाहिए और हम बढ़ाएंगे भी और मिलके बढ़ाएंगे पार्टी में. ठीक है. एक बार राघव अब बोल दो विदाउट दिस पार्टी नॉनसेंस दैट यू आर पुटिंग ऑन मी. एक बार बोल दो. एडिट नहीं करोगे? मैं बिल्कुल एडिट नहीं करूंगा. क्या बोलना है? मैं पूरा इंटरव्यू एडिट नहीं होना है ना राघव, ये ओके गाइस, वन लास्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब टू अनफिल्टर्ड बाय संदीश. क्यों करना? आपको मजा आया इस इंटरव्यू में? बहुत मजा आया. ऐसा इंटरव्यू मैंने आज तक नहीं किया. बहुत इंटरेस्टिंग था और आपको भी मजा आएगा ये इंटरव्यू देखकर. सब्सक्राइब करें, इनकी कमाई थोड़ी बढ़ाएं, बेचारे गरीब हैं बहुत. बस दैट इज राइट. अब तो फॉर फ्री इलेक्ट्रिसिटी वो करने के लिए भी हाँ बोलना पड़ेगा ना. अच्छा, आप विड्रॉ कर रहे हो सब्सिडी? नहीं नहीं, मैं विड्रॉ नहीं कर रहा हूँ. आई नीड गिव अप कर. यू नीड इट. आई नीड इट. चलो ठीक है. थैंक्स राघव. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. ऑल द बेस्ट. थैंक्स अ लॉट यार, मजा आ गया. थैंक्स यार राघव.